हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपका होस्ट और दोस्त आपके लिए लेके आया हूँ रिव्यू जो कि है रेडमी स्मार्ट टीवी का, एंड्रॉयड टीवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इसकी सारी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये आती है पूरी पैकिंग, इस तरीके से ये पैक होके आता है। मैंने ये टीवी ऑर्डर किया है रेडमी की वेबसाइट से, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी। तो इसकी पैकिंग पूरी इसी तरीके से आती है, फुल्ली पैक्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बॉक्स। ये टीवी का नाम है स्मार्ट टीवी, एंड ये स्मार्ट टीवी है, एंड इसका नाम है रेडमी स्मार्ट टीवी X50। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा इसका ब्रांडिंग, MI की, Xiaomi की रेडमी स्मार्ट टीवी। ये 4K टीवी है, 4K अल्ट्रा HD एंड्रॉयड टीवी। इसके अंदर आप वीडियोस प्ले कर सकते हैं 4K क्वालिटी वाले, अप टू 4K क्वालिटी वाले। और साथ में ये एंड्रॉयड टीवी है, तो इसके अंदर बाकी सारी ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार और जितनी भी प्राइम, अमेजन प्राइम, ये सारी ऐप इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, चला सकते हैं। आओ मैं आपके लेके चलता हूँ इसके थोड़े से और फीचर्स के साथ, जो कि स्पेसिफिकली रेडमी के टीवीज में आजकल आने लगे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर। तो पहला फीचर है जिसको हम कहते हैं पैच वॉल। पैच वॉल में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आपको दिख रहा होगा स्मार्ट टीवी सिस्टम। एक्चुअली जो इसका रिमोट है, जिसकी वीडियो मैं अभी लेके जाऊंगा आपको, वीडियो में आगे आप देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि पैच वॉल होता क्या है। पैच वॉल का बटन दबाने से टीवी के अंदर एक स्पेसिफिक मेन्यू खुलता है, जो कि रेडमी की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ है। उस मेन्यू के अंदर आप एक्चुअली में देख सकते हैं पूरे टीवी में कि क्या क्या उसके अंदर बाय डिफॉल्ट मेन्यूज हैं, वो मैं आपको टीवी के रिव्यू में दिखा दूंगा। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं विविड पिक्चर इंजन, जैसे कि आपको दिख रहा है, दैट मीन्स कि जो इसकी इमेज क्वालिटी, जो पिक्चर क्वालिटी और जो स्क्रीन क्वालिटी, वो बहुत ही अल्ट्रा लेवल की है, बहुत ही अच्छी है। इसी के साथ थर्ड फीचर जो हमें मिलता है वो है डॉल्बी विजन, दैट इज ऑडियो विद वीडियो। तो दोनों चीजें इसमें, डॉल्बी का ही साउंड भी मिल जाता है, सराउंड साउंड भी मिल जाता है, सिनेमैटिक, स्पोर्ट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स। अगला फीचर जो हम लेके चलते हैं, दैट इज HDR 10+। जैसे कि आपने देखा होगा मोबाइल में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ HDR वर्जन आने लगे हैं, इन टीवीज में भी एक वर्जन चलते हैं, और ये अभी इस वक्त सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो कि सिर्फ सैमसंग टीवीज में प्रोवाइड होता है, दैट इज HDR 10+। इसके बाद ये एक एक्स्ट्रा फीचर्स है जिसको हम कहते हैं MEMC रियलिटी फ्लो। ये मेनली फीचर्स तब यूज होता है जब आपने बहुत ही 4K क्वालिटी की वीडियो को प्ले करा हुआ है और आपको उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको लैग करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, उस टाइम पर ये MEMC फ्लो बहुत काम आता है, जो कि इस टीवी के अंदर ये पैक्ड फीचर है, जैसा आप देख रहे हैं। इसी के साथ इसमें इनबिल्ट एक ऐप आती है नेटफ्लिक्स की, इसके बाद अलग ऐप आती है यूट्यूब की, उसी के साथ डिज्नी हॉटस्टार की, एक प्राइम वीडियो की, और जैसा कि ये एक एंड्रॉयड टीवी है तो एक फीचर एक काउंट होता है कि दिस इज एन एंड्रॉयड टीवी। अलॉन्ग विद दिस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा फीचर है जिसको हम कहते हैं गूगल असिस्टेंट, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस रिमोट पे आपको एक बटन प्रेस करना है और सीधा आपको वॉइस कमांड देनी है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ अपने वीडियो में। ये देखिए, ये है X50 मॉडल, रेडमी स्मार्ट टीवी X50, जिसको हम बोलते हैं 126 सेंटीमीटर। ये टीवी 50 इंच का है और इस बॉक्स के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं थर्मोकोल की पैकिंग है, और पैकिंग के बीच में आपका पूरा टीवी आता है, कुछ इस तरीके की पैकिंग आती है, फुल्ली सिक्योर पैक्ड होता है, और इसी के अंदर आपको कंटेंट्स मिलते हैं जैसे रिमोट और साथ में इसका एक स्टैंड। तो देखिए गाइस, ये है वो रेडमी X50 सीरीज का रिमोट। रिमोट यूजुअली रेडमी के हर डिवाइस का सेम ही होता है, इतनी ही उसकी लेंथ होती है, काफी हैंडी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं पहले पावर बटन ऑन करता हूँ। ये देखिए टीवी में एक छोटी लाइट है जो आपको शो करेगी कि दिस इज ऑन, आपको सामने लिखा हुआ आएगा रेडमी, और रेडमी कुछ सेकंड के लिए फ्लैश करता है स्क्रीन पर, और उसके कुछ सेकंड बाद आपको दिखेगा इस टीवी का सबसे एनहांसिंग फीचर जिसको हम कहते हैं एंड्रॉयड। ये देखिए, इसमें एंड्रॉयड 10 है जो कि अभी लेटेस्ट अपडेटेड है, और ये एंड्रॉयड टीवी लोडिंग का मतलब है कि अभी टीवी स्विच ऑन हो चुका है, और ये मैंने इसके साथ अभी जैसे कनेक्ट कर रखी है पेन ड्राइव, तो ये उसको डिस्प्ले कर रहा है। देखिए गाइस, जैसे मैंने पेन ड्राइव रिमूव कर दिया तो इसने ऑप्शन दिया USB ड्राइव हैज बीन रिमूव। इसे कहते हैं हम पैच वॉल। तो जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा था, ये है पैच वॉल का बटन। पैच वॉल का बटन दबाने के टाइम पे आपको जो मेन्यू खुलता है, दैट मेन्यू इज ऑफ रेडमी। ये रेडमी का डिफॉल्ट मेन्यू है जिसके अंदर ये सारे ऑप्शन हैं आपके, जैसे होम, मूवीज, शो, लाइव और ये सारे ऑप्शन अलॉन्ग विद सेटिंग्स। इसी के साथ जो मैं आपको नेक्स्ट बटन दबा रहा था, जिसका हम कहते हैं एक्चुअली ये दूसरा मेन्यू, ये एंड्रॉयड टीवी का मेन्यू है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये देखिए
ये मेन्यू चेंज हो गया है और ये मेन्यू पैच वॉल वाला मेन्यू नहीं है, ये मेन्यू एंड्रॉइड का मेन्यू है जिसमें आपको सेम वही चीजें हैं, बस एक डिफरेंट वर्जन है कहने का कि आप पैच वॉल के थ्रू चला लो या आप इस दूसरे मेन्यू के बटन के थ्रू चला लो, दोनों में सेम चीजें हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उसी तरीके से आता है। बस पैच वॉल पे अगर हम जाएंगे तो पैच वॉल का मेन्यू का कुछ इस तरीके से है जहां पर इन्होंने सेल के लिए चीजें डाल रखी है। सिमिलरली अगर मैं अपना मेन बटन दबाता हूँ जो मेन मेन्यू का टीवी के मेन्यू का बटन है वो ये खुलता है। अलॉन्ग विद दिस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एप्स का हमारे पास दिया हुआ है एक फोल्डर जिसके अंदर बेसिक एप्स आप क्या क्या इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं साइन इन करने के बाद। मैंने इस टीवी में अभी साइन इन नहीं करा है बिकॉज मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, आप साइन इन कर सकते हैं अपनी आईडी से। और ये एप्स जैसे आप देख रहे हैं इसमें मैंने अभी डाउनलोड कर रखी है जो कि प्री इंस्टॉल्ड आती है कुछ इस तरीके से। ये यूट्यूब है, ये प्ले स्टोर, इसी के साथ इमेजेस, गैलरी, हेल्प, मीडिया प्लेयर, मीरा कास्ट और ये कुछ एक्स्ट्रा एप्स थी जो फ्री वर्जन है इसमें वो मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। बाकी इन सब एप्स को चलाने के लिए आपको आपके डिवाइस में लॉगिन क्रेडेंशियल्स और वो होने चाहिए, तो मैं आपको एक छोटा सा चला के दिखाते हूँ, एक छोटा प्ले जिसको कि आप समझ पाएंगे। तो ये देखिए गाइस मैंने नेटफ्लिक्स प्ले कर दिया है इसमें और नेटफ्लिक्स कुछ इस तरीके से चलता है। लेट्स से कि हमने कुछ कोई पर्टिकुलर मूवी आप देखना चाहते हैं HD में या 4K क्वालिटी में, तो जैसा कि आप देख रहे हैं आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था कि 4K क्वालिटी की इंटेंसिटी किसको बोलते हैं हम, वो कुछ इस तरीके से है गाइस। ऑल्सो दिस डिपेंड्स आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी आ रही है, मेरे यहाँ पर जो इंटरनेट स्पीड पे मैं चलाता हूँ इसे वो सिर्फ 10 Mbps है, बट दिस टीवी इज प्रिटी गुड इन दैट कंपेरिजन जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस। ये देखिए गाइस ये मैंने वॉल्यूम इसकी अभी सिर्फ 50% करी हुई है एंड यू कैन सी द क्वालिटी, इसके व्यूइंग एंगल्स देखिए गाइस बहुत ही एनहांसिव और बहुत ही बेटर क्वालिटी का ये बाकी टीवीज से कंपैरिजन टू प्राइस ये देख सकते हैं आप। सिमिलरली इसका व्यूइंग एंगल, ये पिक्चर अभी 4K में प्ले हो रही है और इसी के साथ मैं लेके चलता हूँ गाइस आपको इसकी क्वालिटी दिखाने के लिए टीवी की। ये मैंने एक 4K वीडियो प्ले करा हुआ है अभी टीवी पे यूजिंग द यूट्यूब ऐप और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बॉर्डर्स जो हैं वो काफ़ी पतले हैं तो 4K वीडियो को प्ले करने में और ज़्यादा मज़ा आता है, देखने में और ज़्यादा मज़ा आता है जैसे आप देख रहे हैं। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि बॉर्डरलेस टीवी है बट एक बेसिक बॉर्डर होना भी अच्छा लगता है टीवी में जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इसकी एक लाइट है जो सिर्फ स्टार्टिंग करने पे ही जलती है, अभी सिंस इसका कोई यूज़ नहीं है तो ये इतना छोटा ब्लिंक करती रहती है, दैट इज़ द रिक्वायर्ड पार्ट। मैं पीछे से आप उसका एक व्यू दे देता हूँ कि कितना बड़ा है ये, पीछे से कितना ज़्यादा मोटा है, सो दिस इज़ इट, सिर्फ इतना ही बड़ा है, बाकी बहुत ज़्यादा थिन टीवी है जिसके साथ। और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस टीवी के साथ अभी तक ऑलमोस्ट 15 डेज का हो चुका है और आई वुड गिव इट अराउंड 4.5 स्टार्स जिसमें कि मैं देखूंगा कि इसकी वीडियो क्वालिटी एंड इसकी ऑडियो क्वालिटी और इसकी कनेक्टिविटी को लेते हुए। 0.5 स्टार्स मैं सिर्फ इसलिए डिडक्ट करूंगा क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी टॉप नॉच नहीं है जैसा कि सैमसंग और दूसरे टीवीज में आती है जैसे कि आप देख सकते हैं, बट स्टिल इस प्राइस रेंज में आपको ये टीवी मिलेगा तो वो काफ़ी कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। एंड द प्राइस दैट आई परचेज दिस इज़ फॉर 33,000। सो गाइस ये है मेरा टोटल रिव्यू, थैंक यू।